Assalamualaikum dear students, my name is Muhammad Arslan Shafiq and welcome to online sport program by EBSEX. Today we are starting our new topic and the topic name is loop. What is loop? Loop हमारे पास एक term use होती है computer sciences में. Loop का मतलब होता है repetition करना, बार बार एक ही चीज़ को repeat करना. एक ही सर्कल के ऊपर अगर हम घूमे जाते हैं, बार बार रिपीट करी जाते हैं उसी चीज़ को, तो उस चीज़ को हम कहते हैं, वो हमारे पास क्या होती है, आपके पास लूप होती है. अब बेसिकली इसका प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ क्या है, लूप की हमें ज़रूरत क्यों आती है. जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो प्रोग्रामिंग करते हुए हमें अगर एक स्टेटमेंट 100 दफ़ा प्रिंट करवानी पड़ जाए, सपोज डैट मैं आपको कहता हूँ कि एक स्टेटमेंट है आई लव माई कंट्री, आपने इसको प्रिंट आउट करवाना है, आपने इसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है 1000 दफ़ा, तो क्या हम सी आउट स्टेटमेंट 1000 दफ़ा लिखेंगे उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए? नहीं, प्रोग्रामिंग में ये नहीं होता. प्रोग्रामिंग में हम स्मार्ट वर्किंग करते हैं. प्रोग्रामिंग हमें ये जो है वो फैसिलिटीज़ देती है कि हम अपनी वर्किंग को रिड्यूस करें. तो अगर हमने प्रोग्राम बनाते ही इतना टाइम लगा देना है एक सिंपल सी लाइन लिखने के लिए, तो फिर इस लैंग्वेजेस पढ़ने का या प्रोग्रामिंग पढ़ने का हमें फ़ायदा नहीं है. तो प्रोग्रामिंग हमारे काम को कम करती है. तो अगर आपको एक ही प्रोसेस को बार बार रिपीट करवाना पड़ जाए तो उस चीज़ के लिए फिर जो है वो हम यूज़ करते हैं, उसको हम लूप कहते हैं. लूप स्ट्रक्चर जो है वो हम यूज़ करते हैं. बहुत बेस्ट एग्जांपल है आपके पास, आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने टेम्पल रन गेम मोबाइल में एक आती है, आपने वो खेली होगी. अब वो टेम्पल रन गेम में क्या होता है, या कोई भी इस तरह की सबवे सर्फर जो है वो टाइप गेम आपके पास है, आपने इसको खेला. इस गेम में क्या होता है कि जो पाथ हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब कि एक बंदा जो है वो भाग रहा है और वो जो पाथ है जिस पाथ के ऊपर वो दौड़ रहा है, वो रनिंग कर रहा है, वो पाथ वही बार बार दोबारा रिपीट होकर आपके पास आते रहते हैं. अब ये जो एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है तो इसी चीज़ को हम कहते हैं लूप, और ये हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत जो है वो काम आता है, बहुत ज़रूरी आता है आपके पास. तो लूप की जो है वो हमारे पास टोटल दो टाइप्स जो हैं वो हमारे पास होती हैं लूप की. एक को हम जो है वो कहते हैं सेंटिनल कंट्रोल लूप, और दूसरी हमारे पास होती है काउंटर कंट्रोल लूप. ये दो तरह की लूप्स होती हैं जिसको हम लोगों ने पढ़ना है अपने इस लूपिंग स्ट्रक्चर में. लूप के अंदर एक आपके पास सेंटिनल लूप होती है और एक हमारे पास काउंटर लूप होती है. अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि आपके पास जो लूप है उस लूप का नाम लेके पूछेगा कि क्या ये जो लूप है ये सेंटिनल है या ये काउंटर कंट्रोल लूप है. तो जो हमारे पास सेंटिनल कंट्रोल लूप होती है वो हमारे पास होती हैं व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, और जो हमारे पास काउंटर लूप होती है वो हमारे पास होती है फॉर लूप. बेसिकली हमने जो यहाँ पे लूप्स पढ़नी है वो टोटल तीन लूप्स हैं जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे. फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास है फॉर लूप, देन हम लोग सेकंड नंबर पे पढ़ेंगे व्हाइल लूप, और थर्ड नंबर पे हम पढ़ेंगे डू व्हाइल लूप को. टोटल हमारे पास तीन लूप्स हैं. अब इन लूप्स के वर्किंग का जो तरीकाकार है वो क्या है, वो फॉर लूप जो है वो काउंटर लूप होती है, काउंटिंग करती है. जिस तरह हाथ पे तस्बीह कुछ लोगों ने पढ़नी होती है वो काउंटिंग कर रहे होते हैं, काउंट कर रहे होते हैं कि एक दफ़ा पढ़ लिया, दो दफ़ा पढ़ लिया, तीन दफ़ा पढ़ लिया, तो डिस्प्ले पे आपके पास. बिल्कुल इसी तरह प्रोग्रामिंग के अंदर जो फॉर लूप है उसका काम ही होता है कि उसने काउंट करना है कि आपने स्टेटमेंट 10 दफ़ा रन की है, 20 दफ़ा रन करनी है, 40 दफ़ा रन करनी है. तो जब काउंटिंग आ जाती है तो उसके लिए ज़्यादातर हम फॉर लूप यूज़ करते हैं. ये काउंटिंग वाला काम जो है वो हम व्हाइल लूप से भी ले सकते हैं, ये काउंटिंग व्हाइल लूप भी कर सकती है, डू व्हाइल लूप भी कर सकती है, लेकिन जो काम व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप कर सकती है वो आपके पास फॉर लूप नहीं कर सकती. तो ये जो बेसिकली आपके पास फॉर लूप है इसलिए हम इसको कहते हैं कि काउंटर कंट्रोल लूप है. जब भी आपने काउंटिंग करनी है तो उस पर्पज़ के लिए जो हम लूप यूज़ करेंगे वो आपके पास फॉर लूप होगी. तो सेंटिनल कंट्रोल लूप आपके पास क्या होती है, जिस तरह मैंने आपको गेम का जो है वो बताया है कि टेम्पल रन आपके पास गेम है. अब उस एक गेम के अंदर सर्टेन कंडीशंस लगी हैं कि अगर आप उस पाथ से हट जाते हैं तो तब आपकी गेम जो है वो एंड हो जाएगी, या आप दो दफ़ा साइड पे दीवार से टकरा जाते हैं, या नीचे हर्डल जो आ रहे हैं उनसे टकरा जाते हैं तो आपकी गेम एंड हो जाएगी. अब ये चीज़ जो है ये एक जो सेंटिनल चीज़ होती है कि आपने क्या किया, एक काम को बार बार रिपीट करवाना शुरू कर दिया, रिपीटिशन करवानी शुरू कर दी,
अब कब तक हम उसकी रेपुटेशन कराएंगे? हम उसकी रेपुटेशन उस टाइम तक करवाएंगे जब तक हमारा वो जो काम है वो ऑप्शन जो हमने लगाई है वो ऑप्शन नहीं हो जाती। सपोज दैट सिंपल सा मैं आपको अगर एग्जांपल दूं कि हम प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं, मैं कह देता हूँ जी ये काम तब तक होता रहेगा जब तक यूज़र एस्केप का बटन नहीं दबा देता। तो अब ये जो चीज़ है ये वाइल लूप में आ गया। अब इसी चीज़ को हम सेंटिनल कहते हैं। इसी चीज़ को अगर हम गेम में देखते हैं तो क्या जी ये गेम तब तक चलती रहेगी, वो आपकी जो टेम्पर रन है या आपकी वो जो सबवे सर्फर है वो चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी? जब तक वो जो हर्डल है उसके साथ हम दो दफ़ा टकराते नहीं हैं या वो अपने पाथ से जो है वो साइड वाली पे कहीं पे जाके वो टकरा नहीं जाता है, साइड से हट नहीं जाता। तो एक सर्टेन कंडीशन की ये गेम तब तक चलती रहेगी, तब तक आपको नए से नया पाथ मिलता रहेगा जब तक वो जो कंडीशन लगाई हुई है वो कंडीशन जो है वो सही नहीं आती। तो इसमें हमें नंबर ऑफ काउंटिंग नहीं पता होता कि ये 10 दफ़ा चलेगी, ये 20 दफ़ा चलेगी, ये 1000 दफ़ा चलेगी, ये 1,00,000 दफ़ा चलेगी। जो कंडीशन हमने लगाई है जब तक वो कंडीशन नहीं आ जाती, सही नहीं हो जाती, ट्रू नहीं हो जाती, तब तक लूप चलती रहेगी। और इस चीज़ को हम कहते हैं सेंटिनल कंट्रोल लूप। और ये काम जो है वो हम लेते हैं व्हाइल लूप से और डू व्हाइल लूप से। अब व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप काउंटिंग तो कर सकते हैं लेकिन साथ में ये सेंटिनल कंट्रोल का भी काम करते हैं कि इन्फिनिट टाइम हम इस लूप को चला सकते हैं अपनी कंडीशन के ऊपर, कि जब तक हमारी वो कंडीशन जो है वो सही नहीं हो जाती तब तक ये हमारी लूप चलती रहेगी। आप वो गेम खेल रहे हो ना, तो मैक्सिमम आप लोगों में से वो गेम खेली होगी सबने, तो वो गेम जो है वो तब तक चलती रहती है जब तक आप उससे गिर नहीं जाते। अगर आप गिरते नहीं है तो वो गेम चलती रहेगी, वो गेम कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो इस चीज़ को हम कहते हैं ये आपके पास सेंटिनल होता है। व्हाइल लूप और डू व्हाइल यूज़ करते हैं हम इसके लिए। और अगर हमें काउंटिंग करनी हो तो उसके लिए हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लूप है फॉर लूप, हम मैक्सिमम ज़्यादातर यूज़ इस फॉर लूप का करेंगे। अब ये जो फॉर लूप है, ये फॉर लूप हमारे पास क्या है? फॉर लूप हमारे पास क्या चीज़ होती है? फॉर लूप का सबसे पहले तो हम सिंटैक्स देखते हैं। फॉर लूप हम लोगों ने पढ़ा कि काउंटर कंट्रोल जो है वो लूप है। और इस फॉर लूप का हम यूज़ किस तरह करते हैं, इसको प्रोग्राम के अंदर लिखते कैसे हैं, काउंटिंग हम लोग किस तरह करेंगे, उस चीज़ को लिखने के लिए हमारे पास उसका सिंटैक्स है। तो सेंटेक्स में देखिए आपके पास सबसे जो पहली चीज़ है वो आपके पास उसका नाम है। नाम लिखा हुआ है फॉर, फॉर के बाद ब्रैकेट आपके पास इनक्लोज होएंगी छोटी स्मॉल ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस जिसको हम कहते हैं। उसके बाद इनिशियलाइजेशन, यानी कि कहाँ से आपने स्टार्ट करना है, काउंटिंग जीरो से स्टार्ट करनी है, वन से करनी है, 20 से करनी है, जहाँ से भी आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इनिशियलाइजेशन है। हमने पढ़ा था जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो साथ ही उसको वैल्यू दे देते हैं। तो हम जब इसको वेरिएबल को एक काउंटर वेरिएबल हम लेते हैं जो जिसने काउंट करना होता है, वो वेरिएबल की वैल्यू हम इनिशियलाइज कराते हैं कि वो जी वन से स्टार्ट हो। समटाइम्स हमें कंडीशंस चाहिए होती हैं, समटाइम्स हमें जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, समटाइम्स हमें वन से स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये आगे हम जब अरे वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे कि जीरो से क्यों हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लूप को। उसके बाद जो है वो सेमी कॉलन स्टेटमेंट टर्मिनेटर जो हमने पढ़ा वो लगाना है। उसके बाद आपके पास इसकी कंडीशन है। कंडीशन मींस डैट कि अगर आप इनिशियलाइज कराते हैं सपोज डैट आई इज इक्वल टू वन, इट्स मीन डैट कि वन से वो स्टार्ट हो, तो आगे हम कंडीशन लगा देते हैं कि आई लेस देन आर इक्वल टू 10, कि आई की वैल्यू जो है वो 10 से लेस होनी चाहिए या 10 के इक्वल होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद ये जो कंडीशन लगेगी उसके बाद हम उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, हम यहाँ पे दोनों चीज़ें जो है वो लिख सकते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी लगा सकते हैं और डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी जो है वो हम लगा सकते हैं। यहाँ पे मेरे से इंक्रीमेंट ही लिखा हुआ, आप इसके साथ जो है वो डिक्रीमेंट भी ऐड कर लें कि हम डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। तो सेंटेक्स में सबसे पहले जो चीज़ आएगी हमारे पास वो क्या आई? इनिशियलाइजेशन, उसको वैल्यू देना, देन कंडीशन आई, देन इंक्रीमेंट आया, मतलब कि या इंक्रीमेंट आया। अगर आप वन से स्टार्ट करते हैं तो हर दफ़ा वन का इंक्रीमेंट हो। अब ये इसकी हमें ज़रूरत पड़ती रहती है कि समटाइम्स हमें टू का इंक्रीमेंट कराना होता है हर दफ़ा, जैसे इवन नंबर या ऑड नंबर्स हम लोगों ने कैलकुलेट करने। उसके बाद यहाँ से जो है वो आपकी लूप स्टार्ट हुई। स्टार्ट होने के बाद ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स, जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी की सारी आपने इसके अंदर लिखनी है। और यहाँ पे आपके पास जो लूप है वो आपकी क्लोज हो गई, ब्रैकेट्स कर्ली ब्रेसेस लगा के हमने इसको क्लोज कर दिया। तो ये बेसिक सेंटेक्स था आपके पास फॉर लूप को। फॉर लूप
इस तरीके से हम लोगों ने जो है वो लिखनी है। अब इसको हम जो है वो डिस्कस करते हैं आगे डिटेल में कि किस तरह जो है वो काम करेगा। ये हमारे पास उसका दोबारा से यहाँ पे मैंने सेंटेक्स जो है वो उसको लिखा है, और साथ में ये जो है वो एक सिंपल सी एक डायग्राम है। डायग्राम के ज़रिए हम थोड़ा सा इसको समझने की जो है वो कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो इनिशियलाइजेशन हो रही है, यानी कि उसको वैल्यू जो है वो असाइन हो रही है। देन उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, अगर तो कंडीशन आपके पास ट्रू होती है, तो कंडीशन ट्रू होने की सूरत में जो नीचे हमने कोड ब्लॉक दिया हुआ है या जो हमने उसको बताया हुआ है कि जी ये वाला काम आपने करना है, वो काम होगा। उसके बाद आपके पास इंक्रीमेंट जो है वो फॉलो होगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर चलेगा, देन जो है वो दोबारा से कंडीशन चेक होगी। तो ये इसका फ्लो है। अगर आप यहाँ से देखें, अगर आप यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ये आपके पास पोस्टर उसका जो है वो है सेंटेक्स है, तो इसके अंदर किस तरह रन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसके सेंटेक्स में चेक करें कि किस तरह जो है वो होगा, ये किस तरह रन हो रहा है, जी जो डायग्राम में हमने देखा है, तो अगर उसके हिसाब से देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट नंबर पे आपके पास इनिशियलाइजेशन होगी। इनिशियलाइजेशन होने के बाद वो जो है वो कंडीशन चेक करेगा कि आपकी कंडीशन ट्रू है या आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स है। अगर तो आपकी कंडीशन ट्रू होती है, तो यानी कि इनिशियलाइजेशन के बाद वो किधर गया, आपके पास कंडीशन के पास गया। कंडीशन अगर आपके पास ट्रू होती है, देन वो नीचे आएगा, ये कंडीशनल कोड जो भी आपने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, जो भी स्टेटमेंट्स लिखी हैं, वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स आपके पास रन होंगी। जो भी काम हमने दिया हुआ है, वो सारे का सारा चलेगा। देन उसके बाद यहाँ से आपके पास वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर के पास जाएगा। आपने इसकी वर्किंग को बड़े अच्छे तरीके से समझना है, इसकी वर्किंग जो है वो हम आगे यूज़ भी करेंगे। आउटपुट्स फाइंड करने का हमें क्वेश्चन आता है कि उसकी इस चीज़ की आउटपुट क्या आएगी, तो उसके लिए हमें एक सेंटेक्स दिया होता है जिसके हमने आउटपुट फाइंड करने, तो उसके लिए आपको ये जो प्रोसेस है ये समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगी, उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा, अगर तो कंडीशन ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू होने के बाद वो नीचे कंडीशनल कोड या जो भी आपने स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो स्टेटमेंट्स को रन करेगा। देन उसके बाद वो जाएगा इंक्रीमेंट के पास, तो यहाँ पे उसके बाद आपके पास इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट होने के बाद वो दोबारा से आएगा इस कंडीशन पे, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन चेक करने के बाद वो अगेन आएगा नीचे वाली स्टेटमेंट रन करेगा, देन दोबारा से इंक्रीमेंट, फिर वापस कंडीशन पे, कंडीशन से कोड रन करेगा, देन फिर इंक्रीमेंट, और ये आपका प्रोसेस चलता रहेगा कब तक, जब तक आपके पास ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो जैसे ही आपके पास ये कंडीशन आपके पास फॉल्स होगी, तो ये क्या करेगा, उसके बाद ये नीचे वाली साइड पे नहीं आएगा। अगर तो ये आपके पास कंडीशन फॉल्स होती है, तो वो डायरेक्ट क्या करेगा, एग्जिट कर देगा, और नेक्स्ट जो भी आपका कोड लिखा हुआ है उस कोड को वो बोलेगा जी इस कोड को अब रन करते हैं हम। तो ये बेसिकली आपके पास था इसका, ये जो डायग्राम बनी है इसका स्ट्रक्चर। अगर आप इसको भी देखें, डायग्राम में देखें, तो आपको डायग्राम में इजीली समझ आ जाएगा, और अगर डायग्राम में नहीं आ रहा, तो सिंटैक्स में भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से वो जो है वो रन होगा। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन चेक होगी, अगर तो कंडीशन चेक ट्रू हो गई है, तो देन जो नीचे कोड लिखा है वो रन होगा, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन पे, और अगर फॉल्स हो जाती है, तो वो क्या करेगा, इस प्रोग्राम को एंड कर देगा। तो ये एक छोटी सी एग्जाम्पल जो है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो उसी तरीके से हमने इंक्लूड कराया आयो स्ट्रीम को। आयो स्ट्रीम को इंक्लूड करवाने के बाद जो है वो नेम स्पेस एसटीडी हमने लिखा, उसके बाद इंट मेन, आपके पास मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ, और यहाँ से आपके पास जो है वो आपका मेन जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो रहा है। मेन प्रोग्राम आपका स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है कि यहाँ पे आप डिक्लेयर और इनिशियलाइज इकट्ठा करवा लें, आप ए लिख लें या आई से स्टार्ट करें, वेरिएबल का कोई भी नाम रख लें। वैसे आम तौर पे हम आई रखते हैं, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ए जो है वो आपके पास रख दिया। अगर आप चेंज इसको करना चाहें, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, हम यहाँ पे आई लिख दें। आम तौर पे ज़्यादातर हम आई और जे ही जो है वो यूज़ करेंगे अपने आने वाले जितने भी प्रोग्राम हैं जो हम इसके करेंगे, वो सारे जो है वो हम आई के साथ ही ज़्यादातर हम करेंगे, क्योंकि आई के साथ
वो आपकी बुक पे भी जो है वो सॉल्व हुआ है, तो आपकी मर्जी है आप यहाँ पे आई जो है वो डिक्लेयर कर दें, इधर डिक्लेयर कर दें। अगर यहाँ पे आप डिक्लेयर नहीं करना चाह रहे तो यहाँ पे आप जो है वो इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। वैसे आम तौर पे हम जो है वो इसको इसी जगह के ऊपर जो है वो डिक्लेयर करेंगे जो नेक्स्ट प्रोग्राम हम करेंगे। फॉर फॉर लूप जो है वो लगाइए, हमने फॉर लिखा। अब ये जो आई था, आई को हमने पहले ही बता दिया था, ये जो है वो इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल था और आई की वैल्यू हमने जो है वो रख दी है वो 10 रख दी, यानी कि काउंटिंग हमारी 10 से स्टार्ट होगी। आगे यहाँ से 10 से स्टार्ट हुई, उसके बाद हम कंडीशन लगा देते हैं आई लेस देन 20। आई जो है वो आपके पास लेस देन 20 होना चाहिए, देन हम कह देते हैं जी उसके बाद आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। अब ये रन कैसे होगा, अभी देखते हैं इसकी रनिंग करके देखते हैं कि प्रोग्राम कैसे रन होगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास एक वेरिएबल है आई, तो आई जो है वो उसकी वैल्यू है हमारे पास स्टार्टिंग पे 10। जब हमारा प्रोग्राम फर्स्ट टाइम रन हुआ तो उसमें आई की वैल्यू आपके पास थी 10, आई की वैल्यू 10 हुई। उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन अब कैसे चेक करेंगे, 10 इज लेस देन 20, तो 10 जो है वो आपके पास 20 से छोटा है। आप जो है वो देखिए, 10 जो है वो 20 से छोटा होता है तो ये कंडीशन हमारे पास क्या हो गई, ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये नीचे आएगा, इस लाइन को रन करेगा। लाइन क्या लिखी हुई है आपके पास, वैल्यू ऑफ आई, डबल कोट्स में जो लिखा होता है एज इट इज स्क्रीन के ऊपर आएगा, और आई यानी कि ये लाइन आपके पास इस तरह आपके पास आउटपुट आ जाएगी, वैल्यू ऑफ आई, ये दो डॉट आपके पास कॉलन लगेगा, वो आपके पास है 10, ये आपके पास हो गया। इसके बाद क्या करेगा, वो ऊपर जाएगा यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट में क्या कह रहा है, आई इज इक्वल टू, इंक्रीमेंट में वो जो है वो कह रहा है आई आपके पास इज इक्वल टू आई प्लस 1। अब आई की वैल्यू क्या थी आपके पास, आई की वैल्यू थी हमारे पास 10, आई की वैल्यू हमारे पास आई 10, प्लस 1 करना है। अब आई की जो नई वैल्यू है वो आपके पास हो गई 11, तो इट्स मेन डैट कि अब जो आई की वैल्यू है आपके पास, ये आई की वैल्यू अब 10 नहीं रही, अब आपके पास आई की वैल्यू हो गई है 11। अब ये 11 होने के बाद अब जो है वो नेक्स्ट टाइम दोबारा से इस कंडीशन को जो है वो चेक करेगा, 11 इज लेस देन 20, कंडीशन आपके पास ट्रू हुई। कंडीशन ट्रू होने के बाद, ये कंडीशन आपके पास ट्रू हुई, कंडीशन ट्रू हुई तो दोबारा से यहाँ पे ये सेम जो लाइन है, ये लाइन जो है वो प्रिंट आउट कराएगा वैल्यू ऑफ आई कॉलन, और ये अब आपके पास आ गई 11। अब इसी तरह नेक्स्ट जो है वो क्या करेगा, उसको ये करने के बाद उसने यहाँ पे जाना दोबारा से और इसके अंदर एक और ऐड करना है। तो आई की वैल्यू थी हमारे पास 11, तो अब दोबारा से आई की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 11 प्लस 1, तो 11 प्लस 1 आपके पास क्या आई, 12, तो आई की नई वैल्यू आपके पास हो गई 12। यहाँ पे दो दफ़ा आई है, तो ये हमने ऑपरेटर्स में पढ़ा था कि जो आपके पास ये असाइनमेंट ऑपरेटर है तो इस साइड पे आई की वैल्यू यूज़ होगी और जो भी आंसर आएगा वो दूसरी साइड पे इसको यूज़ करें। हम इसको यहाँ पे आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 की जगह पे यहाँ पे हम आई प्लस प्लस भी जो है वो सिंपल लिख सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर्स में हम लोगों ने पढ़ा था। हमारे पास आई की जो वैल्यू है वो आपके पास आ गई है, आई की वैल्यू हमारे पास आ गई है 12। अब ये 12 को चेक करेगा, 12 इज लेस देन 20, 12 लेस देन 20 है, कंडीशन सही हुई, और दोबारा से ये आपके पास रन करेगा और दोबारा से ये सेम लाइन एग्जैक्टली इसी तरह लिख देगा वैल्यू ऑफ आई और यहाँ पे लिख देगा ये 12। अब इसी तरह ये चलते चलते ये काम होते होते आई की वैल्यू जो है वो 20 पे पहुँच जाएगी। अब जब आई की वैल्यू 20 पे पहुंची तो दोबारा से कंडीशन जो है वो चेक करेगा। अब जब कंडीशन जो है वो दोबारा से चेक करेगा तो इस दफ़ा कंडीशन हो जाएगी आपके पास फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, इस लूप को टर्मिनेट करेगा और कंट्रोल जो है वो आपके पास इस स्टेटमेंट पे आ जाएगा, और इस स्टेटमेंट तक आते हुए ये एक ही लाइन को, एक ही सी आउट वाली लाइन को यूज़ करते हुए उसने ये 10 से 12 दफ़ा जो है वो आपको वैल्यू जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा दी।
तो ये चीज थी हमारे पास एक सिंपल सी लूप। ये जो अभी हमने पढ़ी ये हमारे पास थी फॉर लूप। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाइल लूप को। व्हाइल लूप क्या होती है हमारे पास? व्हाइल लूप, व्हाइल लूप को हम लोग देखते हैं। व्हाइल लूप जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास एक जो है वो सेंटिनल कंट्रोल लूप है, इसके अंदर जो है वो हम काउंटर वाला काम भी जो है वो ले सकते हैं। काउंटर वाला काम किस तरह लेते हैं वो आगे हम इसको एग्जांपल में जो है वो देखेंगे। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका सेंटेक्स देखते हैं कि इसका सेंटेक्स क्या है। तो ये जो सेंटेक्स है हमारे पास है, ये लिखा हुआ मैंने व्हाइल, डब्ल्यू एच आई एल ई, बिल्कुल इसी तरह ब्रैकेट के अंदर कंडीशन जो है वो हम लोगों ने लिखनी। यहाँ पे कंडीशन आएगी, वो जो कंडीशन फॉर के अंदर दरमियान में आ रही थी वो आपके पास यहाँ पे, ये व्हाइल के फौरन बाद जो है वो कंडीशन आएगी, उसके बाद पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के बाद जो है वो इसकी स्टेटमेंट्स, जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखनी है आपने वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स, जो स्टेटमेंट आपने परफॉर्म करवानी है वो सारी की सारी। तो अगर आप इसको एज ए काउंटर यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम जो है वो इनिशियलाइजेशन जो है वो करवाएंगे वेरिएबल की। फर्स्ट यानी कि व्हाइल से पहले आपने इनिशियलाइजेशन करानी है, देन उसके बाद आपने व्हाइल की कंडीशन लगानी है, और स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे इस जगह पे जो है वो हम यहाँ पे लगाएंगे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे हम जो है वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएंगे अगर आपने इसको एज ए काउंटर लूप जो है वो यूज़ करना है। अगर आपने इसको एज ए सेंटिनल यूज़ करना है यानी कि आपने एक स्पेशल कंडीशन लगानी है, तो उस कंडीशन के लिए ये जिस तरह सिंपल सेंटेक्स आपके पास लिखा हुआ है इसी तरीके से जो है वो हम लोग इसको लिखते हैं और यूज़ करते हैं। ये वर्किंग किस तरह करती है इसकी वर्किंग भी हम जो है वो देख लेते हैं। इसकी वर्किंग जो है वो आपके पास है, ये सेंटेक्स यहाँ पर जो है वो दोबारा से लिखा हुआ है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वाइल उसके बाद कंडीशन, देन आपने उसका कोड लिखना, सिंपल सेंटेक्स होता है। वाइल कंडीशन किस तरह वर्किंग करती है? वाइल कंडीशन में होता है सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, यानी कि जो कंडीशन है ये कंडीशन आपके पास सबसे पहले चेक हुई। अगर तो कंडीशन आपके पास ट्रू होती है तो वो फिर जो है वो कोड ब्लॉक नीचे जो भी आपके पास कोड्स जो हैं वो दिए हुए हैं, जो भी स्टेटमेंट्स आपने लिखी हुई हैं वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो परफॉर्म होती हैं। स्टेटमेंट्स परफॉर्म होने के बाद वो वापस जाते हैं दोबारा कंडीशन के पास, कंडीशन दोबारा से चेक करता है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो जो है वो दोबारा से कोड ब्लॉक्स जो हैं वो रन करता है, दोबारा से स्टेटमेंट्स चलाता है, और ये प्रोसेस आपके पास तब तक चलता रहता है जब तक आपके पास जो है वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। और जैसे ही आपके पास कंडीशन फॉल्स होती है तो ये आपके पास प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। और अगर आप इसको काउंटर के तौर पे यूज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे जस्ट आपको एक और जो है वो ब्लॉक ऐड करना पड़ेगा, और ये ब्लॉक होएगा आपके पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर या डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए, प्लस प्लस या माइनस माइनस के लिए। तो ये यहाँ पे आपको जस्ट सिंपल एक और ब्लॉक ऐड करना है। तो उसमें कैसे होएगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन के बाद जो स्टेटमेंट्स हैं वो स्टेटमेंट्स रन करेगा, और उसके बाद फिर वो इंक्रीमेंट करेगा। इंक्रीमेंट करने के बाद वो दोबारा से कंडीशन चेक करेगा, अगर तो कंडीशन ट्रू है या कंडीशन आपके पास, तो फिर वो दोबारा से वही स्टेटमेंट्स जो है वो रन करेगा, और अगर कंडीशन आपके पास फॉल्स हो जाती है तो फिर जो है वो आपके पास उसको रन नहीं करेगा, और वो उसको जो है वो प्रोग्राम को, इस लूप को सॉरी, टर्मिनेट कर देगा। अब इसके भी एक प्रोग्राम के ज़रिए जो है वो हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो एक सिंपल सा जो है वो एक प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी तरह हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट सिंपल आयोस्ट्रीम जो है वो हमारे पास है यहाँ पे आयोस्ट्रीम, उसके बाद जो है वो आपने सिंपल सा यहाँ पे लिखना है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। फिर मेन फंक्शन हमारा जो है वो स्टार्ट हुआ, मेन फंक्शन जैसे ही हमारे पास स्टार्ट होगा उसके बाद एक वेरिएबल जो है वो वेरिएबल हम लोगों ने लिया और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया ए इज इक्वल टू 10। यहाँ पे भी आपकी मर्जी है, आप इसको एज आई लिखना चाह रहे तो आप आई लिख लें, जे लिखना चाह रहे, वेरिएबल का कोई इशू नहीं है, आप जो जिस मर्जी नाम से जो है वो उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए वेरिएबल जो है वो लिया हुआ ए इज इक्वल टू 20, वाइल ए इज लेस देन 20। एग्जैक्टली सेम उसी तरह वाला प्रोग्राम है जिस तरह मैंने आपको पहले फॉर लूप में जो है वो बताया है।
सेम वही है इसका, इसकी भी आउटपुट आएगी। यहाँ पर भी एज इसको काउंटर जो है वो यूज़ किया हुआ उसने कंट्रोल करने के लिए। तो अगर आपने इसको एज अ सेंटिनल यूज़ करना तो यहाँ पे हम लिख देंगे जो है वो की या एक जो भी हम इसको आगे जैसे यूज़ करेंगे तो जो है वो आपको इजीली जो है वो क्लियर हो जाएगा उस कि जब जीरो प्रेस करे या स्पेस प्रेस करे तब जो है वो जाए। यहाँ पे उसने एज ए काउंटर यूज़ किया हुआ, तो हम बेसिकली अपनी उसी एग्जाम्पल को लेके आगे चलते हैं। ए की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे 10 जो है वो डिक्लेयर कर ली है। अब वाइल कंडीशन वाइल लगी, वाइल के बाद जो है वो आपके पास कंडीशन जो है वो दोबारा से लगाई हुई है, ए लेस देन 20 वही वाली कंडीशन जो हमने उधर फॉर में लगाई थी वही यहाँ पर लगाई सेम रखने के लिए, लॉजिक को देखने के लिए। तो ए अगर आपके पास 10 है तो अभी कंडीशन चेक करेगा कि ए आपके पास 10 था, वाइल ए इज लेस देन 20 तो अगर कंडीशन आपके पास ट्रू होगी तो वो ये इस स्टेटमेंट को जो है वो रन करेगा सी आउट वैल्यूज ऑफ ए, और यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। देन उसके अंदर एक ऐड कर दिया है, प्लस प्लस उसने लिखा है, तो ए की वैल्यू आपके पास पहले अगर 10 थी तो देन वो आपके पास वैल्यू जो है वो 11 हो जाएगी आपके पास। तो 11 हुई आपके पास, दोबारा से कंडीशन जो ये 11 करने के बाद ये वापस जाएगा कंडीशन पे और दोबारा से कंडीशन चेक होगी। अगर तो कंडीशन ट्रू होती है तो ये प्रोसेस नीचे वाला इसी तरह चलता रहेगा जब तक आपके पास ये कंडीशन ट्रू होती है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है तो ये यहाँ से एग्जिट कर देगा और रिटर्न जीरो पे आपके पास इसका जो कंट्रोल है वो भेज देगा कंट्रोल को, और आपका प्रोग्राम एंड हो गया। और प्रोग्राम एंड होते हुए आपके पास ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं एक ही इस स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास वाइल स्टेटमेंट। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह लजीज पढ़ेंगे डू वाइल स्टेटमेंट। डू वाइल स्टेटमेंट भी बिल्कुल इसी तरह ही मिलती जुलती है वाइल स्टेटमेंट के साथ, तकरीबन जो है वो 100% तो नहीं लेकिन 80-90% सेम जो है वो वाइल लूप की तरह। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको देखेंगे। आपने इसके सारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं आपकी बुक के ऊपर दिए हुए हैं आपने वो सारे करने हैं, उनमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने क्लास में इस बार डिस्कस कर लेनी है। थैंक यू वेरी मच।